बैंक का पैसा लूटो, आपका पैसा लूटो और भागो। ये मोदी सरकार की बैंक के फ्रॉडस्टर्स के लिए फ्लैगशिप स्कीम है। देश के इतिहास में कथित तौर पर अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड सामने आ गया है। इस मामले में सीबीआई ने देश की जाने मानी शिप कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। भारत की बड़ी निजी शिपिंग कंपनियों में से एक एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड पर 28 बैंकों से कथित तौर पर 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड और उसके पूर्व अध्यक्ष प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल पर भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में बुक किया है। रिपोर्ट्स की माने तो देश में बैंक धोखाधड़ी का ही अब तक का सबसे बड़ा मामला है। गुजरात के दाहेज और सूरत में एवीजी समूह की शिपयार्ड कंपनी पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत का काम करती है। अब तक ये कंपनी 165 जहाज बना चुकी है। एवीजी शिपयार्ड भारत में सबसे बड़ी निजी जहाज निर्माण कंपनियों में से एक है, जिसमें 20 टन वजन तक के जहाजों का निर्माण करने की क्षमता है। एवीजी शिपयार्ड कई कमर्शियल हितों वाली कंपनियों के एवीजी समूह का एक हिस्सा है। 1985 में ये कंपनी बनाई गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। गुजरात में सूरत और दहेज में इसका जहाज निर्माण का काम है। अक्टूबर 2010 में वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड के अधिग्रहण के बाद, यानी कि टेक ओवर के बाद, ये गोवा में एक जहाज मरम्मत इकाई संचालित करती है, जो भारत में सबसे बड़ी जहाज रखरखाव वाली सुविधा है। अधिकारियों ने जो बताया है उसके मुताबिक एबीजी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को कथित रूप से धोखा देने का आरोप है। इस घोटाले को देश में बैंकिंग इतिहास तक का सबसे बड़ा घोटाला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला है। कंपनी को 28 बैंकों से 22,468 करोड़ की ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी। 2012-17 के बीच कंपनी के प्रमोटरों ने कथित तौर पर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें फंड का डायवर्जन, हेराफेरी और आपराधिक फ्रॉड शामिल हैं। जुलाई 2016 में ऋण खाते को गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए और 2019 में धोखाधड़ी घोषित किया गया। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक घोटाला करने वाली दो प्रमुख कंपनियों के नाम एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है। दोनों कंपनियां एक ही समूह की हैं। कंपनियों पर आरोप है कि घोटाले किए गए पैसे को विदेश में भेजकर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई। 18 जनवरी 2019 को अर्नेस्ट एंड यंग एलपी द्वारा दाखिल अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच में सामने आया कि कंपनी ने गैरकानूनी गतिविधियों के जरिए बैंक से कर्ज में हेरफेर किया और रकम ठिकाने लगा दी। इतने बड़े बैंकिंग फ्रॉड के बाद कांग्रेस भी बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हाल के वर्षों में सभी बैंक धोखाधड़ी के मामलों की गिनती करते हुए कहा कि अब बैंक डिफॉल्टरों की लंबी सूची में ऋषि अग्रवाल भी शामिल हैं, जिसने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, जतिन मेहता, चेतन संदेसरा पहले से ही शामिल हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2007 में एवीजी शिपयार्ड को गुजरात सरकार ने 1,21,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। 75 साल में होने वाला सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है और 5 साल की देरी के बाद, यह महत्वपूर्ण है जो किसी कहीं आपको मिलेगा नहीं, 5 साल की देरी के बाद, बार बार फाइलें इधर से उधर करने के बाद, फ्रॉडस्टर्स को पैसा गबन करने का पूरा मौका देने के बाद, भगोड़ों को भाग जाने का मौका देने के बाद, 60 महीने की देरी के बाद आखिर में सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि सूरत, भरूच, मुंबई और पुणे में 13 जगहों पर तलाशी ली गई है, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मामले की लगातार जांच चल रही है, लेकिन इस सबसे बड़े घोटाले ने एक बार फिर माहौल गर्मा दिया है और कांग्रेस भी मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।